खेल कोटा, उसकी जो चर्चा थी वो आज हमने मीटिंग करके उसको सॉल्व किया है कि जो ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही, शेष हमने जो पदक लाओ पदक पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था उसके अंदर 3% को खत्म किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 450-450 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। और पहली बार हमने ये भी किया है कि उनसे सिलेक्शन मांगी है कि पूरे ग्रुप सी का जो संख्या होगी वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने पोस्ट के से उनको हटा करके पूरी संख्या, जैसे अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कांस्टेबल क्लास 3 में तो वो जा सकता है, पावर डिपार्टमेंट में जा सकता है, पीटीआई के जो रैंक फिजिकल एजुकेशन का जो रैंक होता है स्कूलों में एजुकेशन में उसमें जा सकता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी रह सकता है, तो प्राथमिकता के आधार पर और ये छूट उनको देंगे ताकि वो 3% के कोटे में जहाँ वो जाना जाए वो जा सकते हैं। इसके अंदर मेडल लाने वाले लोग भी होंगे, जिनको मेडल नहीं प्राप्त हुआ पार्टिसिपेंट्स थे अथवा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी शिकायत पहले मिलती रही हमको, उसमें बहुत से केसेस भी हुए हैं, उसमें हमने एक पोर्टल बनाया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस खेल की हैं वो जो भी हरियाणा के खेल विभाग से मान्यता प्राप्त होंगी उन्हीं के द्वारा जो खिलाए गए खिलाड़ी हैं और वो मेडल लेके आते अथवा पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जेन्युइन एक वेरिफिकेशन करने के बाद ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि कहीं दुरुपयोग उस विषय का वो न करें। तो इस प्रकार से ये सारी योजना आज हमने दोबारा से इसको लागू कर दिया।